दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसमें आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले इस बुक से रिलेटेड मैं आपको रेशियो एनालिसिस और फंड फ्लो स्टेटमेंट के वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। आज से स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। साथ ही साथ बताता चलूं, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो पार्ट है ही है, जो एमकॉम स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के जो कॉमर्स सेक्टर से पढ़ाई करते हैं, उनमें भी ये तीनों ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि दो चैप्टर के वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, विद रूलिंग, विद कॉन्सेप्ट। मैं कोई ट्रिक नहीं बताता, ओनली कॉन्सेप्शनल बातें कर रहा हूँ। आज से कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा, यहाँ पर भी वही सेम चीजें होंगी। साथ ही साथ कॉमर्स स्ट्रीम से आने वाले सभी विद्यार्थियों को रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना ही होता है। आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, कुछ भी एमबीए कर रहे हो, हर जगह आपको ये चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ही ये केवल महत्वपूर्ण नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये देखते हैं क्या होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन इससे पहले मैं आपको और भी बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदश्रीरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट अकाउंटिंग के वीडियोस लगातार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाद में जाकर के आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आज से जो हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे आज से कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे आज से हम लोग को, क्या पढ़ना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये किसके अंतर्गत आता है? तो इसके लिए AS3 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दिया गया है। तो सबसे पहले बेसिक सी चीजें हैं कि हम जाने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, AS क्या होता है, इन चीजों को जाने, और उसके बाद में धीरे धीरे सब कुछ अपने आप पता चल ही जाएगा, है ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ाए हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसको आधार बनाकर हम लोग आगे चलेंगे। लेकिन अभी केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, कैश की बात कर रहे हैं, अर्थात रोकड़ की बात कर रहे हैं। आप ये सर्वविदित है, किसी भी व्यवसाय के लिए उसके जीवन रक्त की भांति होती है कैश, अर्थात रोकड़ के अभाव में कोई भी व्यापार कभी भी अपना सफल संचालन नहीं कर सकता, और प्रतिस्पर्धा को बर्दाश्त न कर पाने के चलते उसे बंद हो जाना पड़ेगा। कोई भी व्यवसाय कभी भी सफलतापूर्वक नहीं चल सकता अगर उसके पास कैश ना हो। तो कैश कितना महत्वपूर्ण है, कहते हैं ना, जीवन रक्त की भांति होता है। जैसे एक मनुष्य कितना भी हष्ट पुष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी बॉडी से ब्लड को बाहर कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो क्या होता है, थोड़ी देर में तड़प तड़प कर जान चली जाएगी। सेम यही पोजिशन व्यवसाय में होती है जब हम कैश की बात कर रहे होते हैं। व्यवसाय चाहे जितना फल फूल रहा हो, अगर वहां से आप कैश को बाहर कर लेंगे तो व्यवसाय मतलब कुछ नहीं, शून्य हो जाएगा एकदम। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस आप इस वर्ड से समझ सके होंगे कि मैं जीवन रक्त के बारे में बात कर रहा हूँ, कि व्यवसाय के लिए जीवन रक्त होता है उसका कैश। अब जब जीवन रक्त की बात करते हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसके बारे में हमको पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी, विश्लेषण करना पड़ेगा कि कैश मेरे पास कितना था और कितना है। अब ये कितना था और कितना है, ये दो बातें बोली मैंने, कितना था और कितना है, इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो गैप है वो हमको जानना है कि आखिर वो गया कहां। ठीक इसी प्रकार से है ना, जैसे मान लो मिस्टर ए, इनके पास ये घर से अपने निकले थे 5,000 रुपए लेकर के निकले थे, शाम को जब वापस आए तो इनके पास में 3,500 रुपए हैं। अब 1,500 रुपए बीच में कहां गए, 1,500 रुपए बीच में कहां गए। जाहिर सी बात है, मिस्टर ए को जानकारी होनी चाहिए कि ये 1,500 हमारे कहां चले गए, और जानकारी इनको होगी ही होगी। यह विचार करेंगे, शाम को जरूर विचार करेंगे कि आखिर ये 1,500 हमारे कहां गए। तो जब एक व्यक्ति मात्र 5,000 रुपए लेकर के निकला और शाम को 3,500 बचे, तो 1,500 का विश्लेषण कर रहा है कि मैंने इसको खर्च कहां कर दिया,
तो सोच के देखो, जब कंपनी 5-5 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है, 5-5 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन करती हैं, तो क्या उनको इस बात की आवश्यकता नहीं होगी कि वो इस बात का पता लगाएं, इस बात की जानकारी लें कि आखिर ये पैसा मेरा कहाँ गया, गया तो कितना गया, और उससे हमें क्या फायदा हो रहा है, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर फायदा या नुकसान हुआ भी, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, और अगर फायदा हुआ तो उसको कितना प्रतिशत है जो हमने वहां पर इन्वेस्ट किया था। इन तमाम सारी चीजों का विश्लेषण करना होता है। तो कुल मिलाकर कैश क्या है, जब कैश की बात करते हैं तो केवल और केवल मुद्रा अर्थात रोकड़, जिस जो बहुत ही अति तरल संपत्ति कही जाती है, मतलब किसी भी समय उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम बात जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश की करते हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश, बैंक बैलेंस एंड एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स की हम बात कर रहे होते हैं। ओके, तो भैया हम क्या जानना चाहते हैं, इस कैश में ये जो फ्लो हुआ है ना, कैश में जो फ्लो हुआ है, फ्लो का मतलब है, मैं आपको फंड फ्लो में बता चुका हूं, फ्लो का मतलब है दो तरीके का फ्लो हो सकता है, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब है कि कैश हमारे पास में आई है, और आउटफ्लो का मतलब है कैश हमारे पास से गया है। जैसे ये 5,000 लेकर निकले थे, शाम को 7,000 लेकर आए, तो इसका मतलब है 2,000 इनके पास कहीं से आया है। 5,000 लेकर के गए थे और 3,500 लेकर के वापस आए हैं, तो इसका मतलब है कि 1,500 इनके पास से कहीं गया है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ये इनफ्लो है, और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ये आउटफ्लो है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे कैश के साथ में चलती रहती हैं, इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के क्या कहेंगे हम कि एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में, ये नहीं कि कभी कभी नहीं, ये मिस्टर ए अगर एक उसी दिन हिसाब नहीं करेंगे, अगले मान लो एक दिन नहीं करे, दो दिन नहीं करे, तीन दिन नहीं करे, अगर चौथा दिन आ गया, अब चौथे दिन से कहा जाए कि बताओ 1,500 कहां गए, और इन्होंने कोई लिखा पढ़ी मतलब अकाउंटिंग ना करी हो, मिस्टर ए के दम नहीं है जो ये बता दे कि 1,500 पूरे एक एक पैसा बता दे, हाँ एक साथ किसी को ना दे दिया हो, अगर 15 मदों पर मान लो इन्होंने 1,500 रुपए छोटे छोटे खर्चे कर दिए थे, अब इनकी हिम्मत नहीं है कि ये बता पाए कि 1,500 हमारे कहां गए थे, है ना। तो फिर कंपनी को भी क्या करना होता है, एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में कैश के साथ होने वाले इनफ्लो या आउटफ्लो, कैश के साथ होने वाले इनफ्लो या आउटफ्लो को जानने के लिए बनाया जाने वाला विवरण क्या कहलाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक विवरण है। तो एक विवरण तैयार करती है कंपनी, कंपनी क्या करती है, एक विवरण तैयार करती है, उस विवरण में किस बात की उसको जानकारी लेनी होती है, कैश के फ्लो की जानकारी होती है, कैश के फ्लो। जब मैं कैश के फ्लो की बात कर रहा होता हूं तो कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जब कोई कंपनी एक स्टेटमेंट तैयार करती है तो उसको क्या कहा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट दो निकटवर्ती वर्षों की बैलेंस शीट में दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर तैयार की जाती है। बात क्लियर हो गई है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। हाँ जी सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे पता चल गया है कि एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में कैश में होने वाले इनफ्लो या आउटफ्लो को जानने के लिए बनाया जाने वाला विवरण ही कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर AS3, ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये क्या है। तो AS का मतलब होता है, AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो मैंने आपको जब शुरुआत में एकदम मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तब वहां पर मैंने आपको वहां पर बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सभी व्यवसाय के लेखे जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, यही वर्ड मैंने वहां पर आपको बताया था कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है कुछ भी व्यवहारों का लेखांकन, व्यवहारों का लेखांकन, है ना। कोई भी व्यवहार हुआ उसका अगर हम लिख ले रहे हैं, उसको हम लिख ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, इसकी हमने अकाउंटिंग कर ली है। कुछ भी व्यवहार हमारा हुआ अगर उसको हम लिख ले रहे हैं तो इसका मतलब अकाउंटिंग। मान लो मैं 1,000 रुपए मैंने दिन भर में कहीं खर्च किया और मैं उसको एक डायरी पे नोट कर रहा हूं कि मैंने 100 यहां खर्च किए, 50 यहां, 10 यहां, 200 वहां, 500 वहां, तो ये क्या कर रहा हूं, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं। लेकिन अब मैं, आप, कोई अन्य
कुछ अन्य अगर इस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करते हैं खर्चों की, तो उनके अकाउंटिंग करने का क्रम अलग अलग होगा, तरीका अलग अलग होगा। अब सोचो अगर हम तमाम सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी अकाउंटिंग करें, तो एक निश्चित समय के बाद में जब कंपनी की ऑडिटिंग होती है, अंकेक्षण होता है, तो ऑडिटर उन सभी व्यवहारों को कैसे जज कर पाएगा कि ये सही है या नहीं सही है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फिर कुछ नियम दे दिए जाते हैं। क्या किया जाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दी जाती हैं, जिनको प्रिंसिपल्स कहा जाता है, कन्वेंशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, कि जितने लोग अकाउंटिंग करेंगे, व्यवहार व्यवसाय में व्यवहारों से संबंधित जितनी भी अकाउंटिंग, जितने भी व्यवसाय करेंगे, सबके सब इन्हीं सिद्धांतों पर, इन्हीं परंपराओं पर, इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ही करेंगे। अब क्या होता है, व्यवसाय दुनिया भर में कहीं पर भी फैले हों, लेकिन उनमें अकाउंटिंग करने का तरीका एक जैसा हो जाता है। इससे क्या होता है, जो ऑडिटर उनको जज करने के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए आता है, उसके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो चाहे जहां जाता है, किसी की भी व्यवसाय में जाता है, उसको अकाउंटिंग एक तरीके की मिलती है। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है व्यवहारों को सिर्फ लिखना, लेकिन अकाउंटेंसी में यह दिया गया है कि व्यवहारों को लिखने के लिए निश्चित नियमों, सिद्धांतों और परंपराओं की जहां पर व्याख्या की जाती है, उसको अकाउंटेंसी कहा जाता है। तो ये जो नियम परंपराएं हैं, ये आती कहां से हैं, कोई संस्था होगी जो इसको बनाती है ना। तो मोस्टली जो ऑडिटर होते हैं वो कौन होते हैं, सीए होते हैं, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसी को ऑडिटर कहा जाता है। एक ऑडिटर वही हो सकता है ना। तो हर एक देश में सीए की अपनी अलग संस्था होती है, जैसे भारत में है तो उसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई। तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है लेखांकन प्रमाप। लेखांकन का मतलब देखो क्या है, व्यवहारों का लेखांकन, और प्रमाप का मतलब है जिसको पहले से ही निर्धारित कर दिया गया हो, प्रमाप, जिसकी माप पहले से ही कर दी गई हो, जिसका निर्धारण पहले से ही कर दिया गया हो, उसको क्या कहा जाता है, प्रमाप। अर्थात लेखांकन करने का तरीका पहले से ही अगर निर्धारित कर दिया जाए तो उसको कहते हैं, चूंकि लेखांकन को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, और अकाउंटिंग करने का तरीका पहले से निर्धारित है तो उसको स्टैंडर्ड कहते हैं, इसलिए एएस को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। बात क्लियर है, ओके, बात क्लियर है। तो भारत में जो भारतीय, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो कौन सी संस्था बनाती है, आईसीएआई जो है, ये आपके लिए एएस इश्यू करती है। और अंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो तरीके के होते हैं, एक अपने देश के होते हैं और एक अंतरराष्ट्रीय होते हैं, क्योंकि व्यवहार तो अब एक देश तक तो सीमित रह नहीं गया है, आपके देश का व्यवहार दूसरे देश के साथ में भी हो सकता है, तो वहां पर भी तो ये ऑडिटिंग की कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। और ये अमेरिका की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ अमेरिका, वो इशू करता है इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, बात क्लियर है। तो ये यहाँ पर भारतीय जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहते हैं। इसी में दिए गए नियमों के अनुसार ही आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करना होता है। बात क्लियर है? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई है। मुझे पता चल गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और AS3 क्या है। बात क्लियर है? जी हाँ सर, क्लियर हो गई है। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन दोनों में अंतर क्या है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया क्यों जाता है। देखिए, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना लिया जाएगा, तो इससे व्यवसाय को क्या पता चलेगा कि हमारे पास में न्यूनतम लेवल कैश का कितना होना चाहिए और अधिकतम लेवल कितना होना चाहिए। अर्थात दूसरी बात क्या पता चलेगी कि वर्ष भर में हमको कितनी कैश की आवश्यकता होती है। इससे जब बजट बनाएगी कोई कंपनी, तो उसको बजट बनाने में आसानी हो जाएगी। जो फाइनेंशियल मैनेजर है, जो फाइनेंस मैनेजर है, उसको हेल्प मिलेगी फाइनेंस कलेक्ट करने में कि वर्ष भर में हमको कितनी कैश चाहिए, उस कैश से कितने हमारे इंटरनल सोर्स से हमारे पास में कैश आ जाएगी और कितना एक्सटर्नल सोर्स से हमको कैश कलेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज उसको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए, और खास तौर पर फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन मेकिंग उसकी इजी करने के लिए ये दोनों ही स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें और चाहे हम बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट की। बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट में अंतर क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। जहां पर कोष की बात जब करेंगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हम बात कर रहे हैं फंड की, वहां टोटल और टोटल बात किसकी कर रहे हैं, केवल और केवल कैश की बात कर रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कैश बेस्ड है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका किस पर बेस करता है,
तो वर्किंग कैपिटल पर वो बेस करता है। किस पर बेस करता है? तो वर्किंग कैपिटल, पिछले चैप्टर में पढ़ा के आया हूं ना, वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, इस बात पर फोकस करता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? वहां पर वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंज को जानने के लिए बनाया जाने वाला स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट है, और कैश में होने वाले परिवर्तन को जानने के लिए बनाया जाने वाला स्टेटमेंट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब अगर बात करें कि क्षेत्र किसका व्यापक और किसका संकुचित है, तो आप बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। देखो यहां पर मैं टोटल और टोटल बात कर रहा हूं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की, तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया, क्योंकि जो कैश है वो करंट असेट्स का एक पार्ट है ना। तो मैं यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस टोटल का एक पार्ट की बात कर रहा हूं, जबकि यहां मैं टोटल की बात कर रहा हूं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्षेत्र जो होता है वो संकुचित होता है, और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्षेत्र है वो व्यापक होता है। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं इसके एक्सप्लेनेशन की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन कंपलसरी है। प्रत्येक कंपनी को अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना होता है पब्लिकली। उसके लिए देखो AS3 भी दिया गया है। फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया था, कोई आपको AS नहीं दिया गया था। तो फंड फ्लो बनाना ऐच्छिक है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है। तो देखो इसको अनिवार्य कहा गया, उसको ऐच्छिक कहा गया, तो एक अलग से हमको अलग और अंतर मिल गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको बनाना, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट इतना अनिवार्य नहीं होता है, उसको तैयार करना इतना अनिवार्य नहीं होता है। अब अगर बात करें कि इनको तैयार करने का आधार क्या होता है, तो जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो वहां पर कैश बेसिस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, अर्थात जिनमें कैश ट्रांजेक्शन हुआ केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। जहां कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ उन व्यवहारों का लेखांकन नहीं किया जाता, उनको व्यवहारों से छोड़ दिया जाता है। जैसे कोई संपत्ति उधार क्रय कर ली गई हो, उसको यहां पर हम नहीं लिखेंगे। बात क्लियर है? किसी संपत्ति को खरीदने के लिए शेयर इशू कर दिए गए हों, उसको हम यहां पर नहीं लिखेंगे। लेकिन जब फंड फ्लो की बात करते हैं, तो उसका आधार ये PGT और TGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का आधार क्या होता है? तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के आधार पर उनको तैयार किया जाता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के आधार, उपार्जन सिद्धांत जो आपका, इसको कहेंगे अवधारणा, उपार्जन अवधारणा के आधार पर, कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा होता है, तो उपार्जन अवधारणा के आधार पर आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। अर्थात वहां पर हम उन सभी व्यवहारों को लेते हैं जो इन फ्यूचर होने वाले हैं या पास्ट में हो चुके हैं, जबकि यहां पर जो कैश में ट्रांजेक्शन हुए हैं हम केवल उन्हीं पर केंद्रित रहेंगे, केवल उन्हीं का लेखांकन करेंगे। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। एक और बात कर लें अगर हम लोग, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या जानना चाहते हैं? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जानना चाहते हैं। हम लोग एडजस्टेड PL अकाउंट बनाकर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालते थे, जबकि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो यहां पर हम जानना चाहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, अर्थात हमारी एक्टिविटीज से कितना कैश हमारे पास जनरेट हुआ है। बात क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंस भी पता चल गया होगा। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने देखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके लिए क्या है, क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, अगर ये बनाया जाता है तो किसके लिए हेल्पफुल होता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चल करके कि ये जो तीन एक्टिविटी अभी मैंने बात करी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे आखिर अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट को। बात ओके? उम्मीद है आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा, चीजें बहुत ही आसानी के साथ आपकी समझ में आई होंगी। अगर मेरा मानना सही है तो हमको अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर दीजिएगा। आप मुझे बताइए कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, चीजें आपको वाकई समझ में आ रही हैं या हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। ये तो मैं तभी जान पाऊंगा जब आपका फीडबैक हम तक आएगा। वैसे मैं तो अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको इजी से इजी कॉन्सेप्ट दूं और चीजें बिल्कुल आपको A to Z समझाऊं। तो मेरा प्रयास कितना सार्थक होता है ये बताने की जिम्मेदारी कम से कम आपकी है, और मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़कर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और वहां देखेंगे
कि ये एक्टिविटीज क्या होती हैं और उन एक्टिविटीज के साथ साथ हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।